20 फरवरी 2002 का गोधरा कांड और गुजरात दंगे, यह हमारी हिस्ट्री का बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कांड है। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर मचा बवाल। भारत सरकार ने बीबीसी पर कहा कि बीबीसी ने अपनी सरकार पर सवाल उठाए। बीबीसी की पीएम नरेंद्र मोदी पर बनी डॉक्यूमेंट्री बैन होने का बवाल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। मोदी सरकार ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बैन कर दिया है। जनवरी 23, 2023 को एक तरफ सरकार ने इसे बैन कर दिया है, तो वहीं विपक्ष इसके खिलाफ लगातार तंज कस रहा है। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री इंडिया द मोदी क्वेश्चन की स्क्रीनिंग के दौरान डॉक्यूमेंट्री देखने वाले छात्रों पर पथराव हुआ। पथराव के बाद डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने जेएनयू गेट पर मार्च निकाला और वहां पहुंचकर नारेबाजी की। पथराव करने वाले छात्र कौन थे उनके बारे में ज्यादा पता नहीं चल पाया है। पत्थरबाजी में कुछ छात्रों को चोट भी आई है। कुछ छात्र मेडिकल करवाने सफदरजंग अस्पताल भी पहुंचे हैं। यह डॉक्यूमेंट्री नर्मदा हॉस्टल के सामने जेएनयू छात्र संघ के ऑफिस में रात 9 बजे दिखाई जानी थी। जेएनयू छात्र संघ ने स्क्रीनिंग की घोषणा एक दिन पहले ही की थी। जहां जेएनयू में बवाल के बाद अब जामिया यूनिवर्सिटी में भी हंगामे की खबर है। जामिया यूनिवर्सिटी में दिल्ली पुलिस और दंगा निरोधक दस्ता के कर्मी मौजूद हैं। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया। जनवरी 19, 2023 भारत के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को प्रोपेगंडा करार दिया।